हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पियालीज किचन। चलिए आज हम बनाएंगे लौकी के छिलके की भाजी। बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी। चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए इसमें। तो मैंने लौकी के छिलके को अच्छे से धो लिया है, धो के उसको महीन काट लिया है। देख सकते हैं आप, बहुत महीन काटा है मैंने। तो इस तरह से आप काट लें। ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, रोटी, पराठा, पूरी, इवन आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने यहाँ आलू भी लिया है, जिसको भी मैंने पतला काटा है। और मैंने यहाँ लिया है लहसुन, हरी मिर्च, प्याज लिया है, और मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और धनिया लिया है। तो चलिए पैन हमारा गर्म हो रहा है, मैं दिखाती जाऊंगी क्या क्या मसाले और पड़ेंगे इसमें। तो 2 टीस्पून मैंने ऑयल डालना है इसमें। तो ऑयल गर्म होते ही उसमें मैं डालूंगी कलौंजी। तो आप जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कलौंजी डालती हूँ। कलौंजी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं डालूंगी ये जिंजर चॉप्ड, और ये मैंने गार्लिक चॉप्ड, वो भी डाल दिया। इसको थोड़ा भुनने देंगे, थोड़ा खुशबू आने देंगे इसको, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पे ही करें फ्राई। इस तरह से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक प्याज लिया है थोड़े बड़े साइज़ के, और मैं हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। सिंपल रेसिपी है, और आप सबको मालूम है कि लौकी हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप छिलके को भी ना फेंकें, ये सब्ज़ी अच्छी बनती है छिलके से। तो मैं सॉल्ट डाल दूंगी, ताकि हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट होने में इजी हो जाए। और मैं ये हल्दी डालूंगी, और लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंगली डालें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है। तो 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से अभी भुन रहा है ये मसाला। तो बहुत ज़्यादा मैंने कोई मसाला ज़्यादा डाला नहीं है इसमें, बहुत सिंपल रखा है। तो घर पे जो है आप उसी से बना सकते हैं। तो अब मैं इस टाइम पे ये आलू डाल दूँगी, और थोड़ा फ्राई करेंगे इसको। देख सकते हैं आप कलर। बहुत ही सिंपल सब्जी के छिलके से बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, ट्राई करें एक बार। अब मैं इस टाइम पे ये डाल दूंगी ये छिलके जो मैंने महीन काट के रखे हैं। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की रेसिपीज़, नए नए रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। इसको अभी भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा फ्लेम को हाई कर देंगे बनते समय। तो अब सब्जी को थोड़ा अभी नरम होने के लिए रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे 5-6 मिनट के लिए, ताकि नरम सॉफ्ट हो जाए। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, चलिए खोल के देखते हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हमारा सब्ज़ी, तो बिल्कुल अभी नरम हो गया है। और मैं इस टाइम पे डालूँगी ये धनिया। चलिए सर्व करते हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, रोटी पराठे पूरी के साथ। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।